डॉक्टर साहब, आज आपका क्या इवेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हमारा जो इवेंट है, हमारा रिसर्च सेंटर है यूनानी का, फेमिना यूनानी रिसर्च सेंटर, जिसके तत्वावधान में या जिसके बैनर के नीचे आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इसमें हम लोग प्योर सिर्फ और सिर्फ यूनानी, जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम का एक पद्धति है, उससे यहाँ पर इस इलाके में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस यूनानी सिस्टम में हम लोग यहाँ पर जो यूनानी मेडिसिंस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूनानी का जो तरीका है इलाज का, मसाज और कपिंग, वो कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों का एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम किया है, ताकि एक अच्छा सा मेला सा लग जाए और इसी बहाने हमें और मरीज़ आ जाएँ जो उसको हम देख सकें। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यही यहाँ ही नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ का जो पर्चा होगा उसको हम लोग, जब तक वो पर्चा कायम रहेगा, हम अपने अस्पताल में, अपने सेंटर में भी उनका, मरीजों का आगे भी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही इलाज करते रहेंगे। हाँ, दवा ज़रूर उनको परचेज करनी पड़ेगी, जो बहुत सस्ती और बहुत नॉमिनल पैसों की होती है, कोई बहुत अहमियत नहीं। आज इस कैंप में किस तरीके के मरीज आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं? ये पुराना इलाका है, जो एरिया है बड़ा पुराना इलाका है बुलाकी अड्डे का। इस पूरा इलाके से मरीज हैं यहाँ पर, और दूर दूर से मरीज़ आ रहे हैं। जो इसमें मरीज़ आ रहे हैं ज़्यादातर, वो हम लोग का जो पुरानी पद्धति होती है जिससे इलाज, जिसमें कब्ज होता है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, इस तरह के मरीज़ जो अंग्रेज़ी दवा खा खा करके परेशान है और उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो मरीज़ ज़्यादा आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन डॉक्टर यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर हम लोग सब यूनानी ग्रेजुएट्स हैं। मैं हूँ डॉक्टर सलमान खालिद, ये डॉक्टर नोमान खालिद हैं, डॉक्टर रवि श्रीवास्तव हैं, उधर डॉक्टर असमत जहाँ बैठी हुई हैं, और भी डॉक्टर्स हैं सब यूनानी के, हमारे डॉक्टर शादाब अहमद हैं, ये सब डॉक्टर निहाल हैं उधर पीछे लास्ट में बैठे हुए हैं, ये सब यूनानी ग्रेजुएट्स हैं और यूनानी से पास आउट हैं, और हम लोग सब मिलकर यूनानी पद्धति को, यूनानी पैथी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो काफ़ी हद तक ठीक नहीं होती है, चाहे वो की दवाई हो, चाहे वो तो क्या लगता है कि इस जो यूनानी की दवाएं हैं, इससे कितना मरीज को फायदा होता होगा? क्योंकि हमारा जो पुरानी पद्धति है, पुराने पैथी है, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी को, इसके लिए ये कहा ही नहीं जाता, बल्कि ये साबित भी है कि ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं और जिसपे अंग्रेजी तरीके इलाज से कभी फ़ायदा नहीं होता है या वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, हमारे पास आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिससे ये बीमारियां देर से ठीक होती हैं लेकिन जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कल जैसे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो भी आदमी चाहे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको हम लोग को, जो हमारी मजबूरी है, वो जो भी कहेंगे उसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इच्छा मृत्यु का जो मामला है उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग, उस पर कोई, एज ए डॉक्टर हम उस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हम तो, कोई भी मरीज़ हमारे पास आएगा तो हम जब तक वो अपनी आखिरी सांस लेता है हम उसका इलाज करते रहते हैं, इसलिए इच्छा मृत्यु का हमारी नज़र में कोई बहुत ज़्यादा। वहाँ यह हुआ है कि उसे लाइफ सेविंग जितने भी सपोर्ट सिस्टम है वो सब हटा दिए जाएँ और वो ऑटोमेटिकली डेथ हो जाए उसकी। और लाइफ सेविंग का जहाँ तक सिस्टम है वो हमारी पैथी से अलग है, वो एलोपैथिक वालों का देखना है। हम लोग का जो तरीका इलाज है वो वहाँ तक नहीं जाता है, इसलिए उन चीज़ों को अगर वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, हम लोग उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। क्या और भी इसके बाद कैंप लगाएंगे? हाँ, हमारा इससे पहले बुलाकी अड्डे पर, आज बुलाकी अड्डे पर है, इससे पहले हमारा कैंपल रोड पर कैंप था। नेक्स्ट कैंप हमारा 31 मार्च को मनकामेश्वर मंदिर में शाम के समय से रात तक लगेगा। कितने लोगों को भीड़ देखने को मिल रही है? पिछले कैंप में हम लोगों ने 350 मरीज़ देखे थे। आज अभी तक 3 बजे हमने कैंप स्टार्ट किया था, अभी 4 बजे है, अभी तक हमारे करीब 150 पेशेंट हो चुके हैं और रात 8 बजे तक चलेगा। आज हमें उम्मीद है कम से कम हम 500 पेशेंट यहाँ पे देखेंगे। आपके कैंप में एक USP है, वैक्यूम थेरेपी टाइप, उसके बारे में आप बताइए। ये जो वैक्यूम थेरेपी है इसको हम लोग हिजामा थेरेपी कहते हैं। ये हिजामा दो तरीके का होता है, एक तो ये हिजामा सुन्नत हिजामा है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद साहब ने इसको कराया था, इसलिए ये सुन्नत अमल है और हर आदमी को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में एक या दो बार ये अमल ज़रूर करा ले। उसमें ब्लड निकाला जाता है जो यहाँ हम खुले में नहीं कर सकते। यहाँ हम जो इस वक्त कर रहे हैं ये एक ड्राई कपिंग है, ये सूखा हिजामा है जिसमें हम लोग ऑयल लगा के कर रहे हैं। ये हमारे यूनानी की एक USP है, यूनानी की एक पैथी है, इससे मरीजों को बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा होता है।